राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा आमजन में विधिक जागरूकता फैलाने के लिए मोबाइल वैनों का संचालन किया जा रहा है। अजमेर में 13 दिसंबर से 5 जनवरी तक मोबाइल वैन संचालित की जाएंगी, जिनका संचालन अजमेर मुख्यालय और तालुका क्षेत्र के गांवों में किया जाएगा। शनिवार सुबह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के पूर्णकालिक सचिव सुरेंद्र पुरोहित ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल वैन सर्वप्रथम तालुका पुष्कर के विभिन्न गांवों में जाएगी। वैन में पैरा लीगल वॉलंटियर्स और प्राधिकरण के सदस्य मौजूद रहेंगे, जो प्राधिकरण द्वारा तैयार कराए गए विशेष पैम्पलेट्स और फिल्मों के जरिए जागरूकता फैलाएंगे। वैन 13 और 14 दिसंबर को पुष्कर तालुका में, 15 से 17 दिसंबर तक नसीराबाद, 18 से 20 दिसंबर तक किशनगढ़, 21 और 22 दिसंबर को सरवाड़, 23 से 25 दिसंबर तक केकड़ी, 26 और 27 दिसंबर को विजयनगर, 28 से 30 दिसंबर तक ब्यावर और 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक अजमेर मुख्यालय पर रहेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक जानकारी उपलब्ध कराने का विशेष जो प्रयास किया गया है, उसी के तहत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है, उसे आज यहाँ विधिवत रवाना किया गया है। सर्वप्रथम ये तालुका केंद्र पुष्कर में जाएगी और उसके पश्चात अजमेर क्षेत्र के समस्त तालुकाओं में और मुख्यालय पर इसका भ्रमण होगा। इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रोजेक्टर है, इसमें लोक अदालत भी साथ में ही लगाई जाएगी। प्री लिटिगेशन की लोक अदालत मौके पर ही लगाई जाएगी और इसके अंदर जो प्रचार प्रसार की सामग्री है वो भी संपूर्ण उपलब्ध रहेगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक डाणी डाणी तक पहुँचाई जाएगी।